अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं पैकिंग से। अभी मैं करने लगी हूँ पैकिंग। हम कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। सबसे पहले कपड़े सिलेक्ट कर लेते हैं कौन कौन से लेके जाने हैं। ये वाला मेरा ईद का ड्रेस है, ये मैंने ईद पे पहना ही नहीं है। ये लाइम से कलर का है, येलो सा। इसके बाद ये भी सेम कलर ही है। ये ब्लू कलर है, इसका कलर भी बहुत फ्रेश है। और इस पे इसके स्लीव्स पे वाइट लेसेस लगी हुई हैं। अभी साथ में ब्लैक वाला भी एक रख लिया मैंने। और ये ब्लैक कलर का ड्रेस है, इस पर ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है और इसकी नेक पे ये लेसेस लगी हुई हैं और इसके स्लीव्स पे कफ लगे हुए हैं, इस पर भी लेसेस लगा दी हैं। और ये मेरा मेरी कज़न का सेम सेम है, मैं आपसे शेयर करूँगी आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ ये कलरफुल सा दुपट्टा मैच कर लिया है और इसके साइड्स पे टसल लगे हुए हैं। और अब ये नेक्स्ट वाला ड्रेस आपने पहले भी देखा हुआ है। और ये जो एम्ब्रॉयडरी पैनल इसमें ऐड हुआ है, ये मैंने इस पर एम्ब्रॉयडरी खुद की है। आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखें। और साथ में एक ये वाला ड्रेस भी रख लिया है, ये भी ब्लैक कलर का है। आप देख रहे होंगे ज़्यादातर ब्लैक और येलो कलर के ही हैं। अब जल्दी जल्दी इसे पैकिंग करते हैं। सारे कपड़े पहले मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं ताकि इजीली जो है ये बैग में फिट आ जाएं। चलें अब रखते हैं इन्हें, सेट करते हैं। कपड़े सेट करने के बाद मैंने अपने लिए थोड़ा सा मेकअप निकाल लिया है। ये हाइलाइटर प्लस ब्लश ऑन है। ऐसी चीज़ें निकाली हैं जो छोटी छोटी हैं और मतलब ज़्यादा सामान ना बने। साथ में ये भी एक हाइलाइटर है, ये भी बहुत छोटा सा है, ज़्यादा जगह नहीं लेगा। साथ में एक लिपस्टिक रख ली है और ये आई पेंसिल्स हैं। आजकल आपको पता है आई पेंसिल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, तो मैंने ग्रीन और ब्लू रख ली हैं। और साथ में एक फ़ैन ब्रश रख लिया हाइलाइटर लगाने के लिए। और बस एक ही पैलेट रखी थी आई शेड की। और आप ये देखिए इसके कलर्स कितने प्यारे प्यारे से हैं, लाइट से हैं बस। ये भी एक ब्लश ऑन है छोटा सा, इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। और साथ में मैंने ब्रश रख लिए थे, ब्रश में मैंने सिर्फ हाइलाइटर और ब्लश ऑन के लिए रख लिया था। और ये रहा मस्कारा। अब जल्दी जल्दी से बैग में सारा कुछ सेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक मॉइस्चराइज़र रख लिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप ट्रैवल करके किसी दूसरी सिटी में जाते हैं तो फेस से बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है क्योंकि वेदर चेंज होता है। साथ में मैंने अपने लिए सीरम्स रख लिए हैं। अब ये सारी चीज़ें इस बैग में सेट कर लेंगे। ये दो तीन चार बस ब्रशेस रखे हैं, ज़्यादा सामान नहीं किया। साथ में मैंने अपने लिए लिपस्टिक्स रख ली थी, ये रही वाइट कलर की आई पेंसिल और एक लिप ग्लॉस। अब इसमें हम आई शेड्स की पैलेट रख लेते हैं। ये एक ब्लश ऑन पैलेट रखी है, इसमें कंटोरिंग के लिए भी है, ये भी एक ब्लश ऑन पैलेट है। और ये आई शेड पैलेट है। और ये साथ में मैंने अपने लिए बैंगल्स रख ली हैं, ये रही मेरी रिंग।
और ये एडजस्टेबल रिंग है तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको भी बैग में रख लेंगे। साथ में मैंने नेल पेंट्स रख लिए हैं, कंसीलर, ये दो तीन रिंग्स हैं, और ये री बैंगल्स। और ये स्टड्स थे, ज़्यादा इयररिंग्स नहीं रखे, बस मैंने स्टड्स रख लिए हैं, हर ड्रेस के साथ चल जाएंगे। और बस हमारा मेकअप पैक हो गया है, अब इन सारी चीज़ों को हम बैग में सेट कर लेते हैं। साथ में मैंने माइसलिन और वाटर भी रख लिया था मेकअप रिमूव करने के लिए। और बस अब बैग में सेट करते हैं और बैग को पैक करते हैं। और साथ में मैंने अपने लिए सैंडल्स रख लिए हैं, दो शूज़ रखे थे, ज़्यादा नहीं रखे। और बस अब हमारी पैकिंग तकरीबन डन हो गई है। अब आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।